इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनरल के बारे में उसके बाद हम जानेंगे क्लासिफिकेशन एंड उनको कंजर्व कैसे करते हैं देन एट लास्ट हम जानेंगे टाइप ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द वेरियस वेज टू कंजर्व देम सो लेट गेट स्टार्टेड विद ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फाइव मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो वट इज मिनरल अगर हम मिनरल की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मिनरल को डिफाइन किया जा सकता है एज अ होमोजीनियस नेचुरल अकलिंग सब्टानस विद डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म हो नेचर में कैरेक्टर में एंड केमिकल कंपोजिशन में एंड डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है जिसके एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस का अरेंजमेंट ऑर्डर वे में हो एंड द लास्ट केवल दैट इज नेचुरल इसका मतलब है मिनरल नेचर में वेराइट फॉर्म में अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल हार्डेस्ट डायमंड एंड सॉफ्टेस्ट टैल मिनरल फाउंड होते हैं इन वेरियस फॉर्म इन नेचर यूजुअली वो पाए जाते हैं इन ओर्स अगर हम ओट्स को डिस्क्राइब करें तो इट इज़ ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद अदर एलिमेंट अगर हम बात करें इग्नेस एंड मेटामोफिक रॉक के बारे में उसमें मिनरल क्रैक्स फॉल्ट एंड सिविक्स में पाए जाते हैं वहीं अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक के बारे में वहाँ मिनरल्स बेड्स और लेयर्स में पाए जा सकते हैं इसके अलावा मिनरल आपको ओशन में एलेबल डिपॉजिट इन सैंड वैली एंड एट द बेस ऑफ द हिल्स में अवेलेबल होते हैं एक्जैक्टली exactly होता क्या है सारे इंपॉर्टेंट मिनरल ड्यू टू वेदरिंग एकोमेड हो जाते हैं एट द बेस ऑफ द हिल्स इसी वजह से हमें मिनरल का काफ़ी अच्छा खासा कंसनट्रेशन एट द बेस ऑफ द हिल्स में मिलता है अगर हम मिनरल को डिवाइड करें तो मिनरल इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री हेड जी मिनरल metallic, -metallic अगर हम फर्दर मेटेलिक को डिवाइड करें तो ये सब डिवाइडेड होता है ferrous, -ferrous we'll detail, so सबसे पहले बात करते हैं मेटेलिक मिनरल के टाइप फेरिस मिनरल के बारे में फेरिस मिनल जिसमें आयरन की कंसेंट्रेशन होती है अगर हम पूरे मेटेलिक मिनल के प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उसका थ्री फोर्थ हिस्सा फेरिस मिनरल प्रोड्यूस करता है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आयरन ओर्स एंड मैग्नीस आयरन ओड्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इन मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट मैग्नेटाइट का नाम फाइनस ओड्स में शुमार है इसकी खास वजह यह है कि इसमें सेवेंटी परसेंट ऑफ द आयरन पाया जाता है इसके पास एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वांटिटी भी है अब बात करते हैं हेमेटाइट के बारे में हेमेटाइट के अंदर अप्रोक्सीमेटी फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट आयरन है जिसकी काफी डिमांड इंडस्ट्रियल सेक्टर में है वहीं मैग्नीज के बारे में बात करें तो इसका यूज स्टील एंड पैरो मैगनीज Alloy में आता है और ऐसा माना जाता है कि अप्रॉक्सिमेटली टेन के ऑफ द मैंगनीस रिक्वायर्ड होता है टू तो मैन्युफेक्चर वन टन ऑफ द स्टील आयरन यही नहीं मैंगीज का यूज ब्लीचिंग पाउडर इंसेक्टिसाइड पेंट के मैन्युफेक्चर में होता है अब बात करते हैं अदर टाइप ऑफ द मिनरल दैट इज नॉन फेरस मिनरल एज अम सजेस्ट इसमें आयरन का कंसनट्रेशन नहीं होता है इसके एग्जाम्पल है कॉपर बक्साइड लीड जिंक एंड गोल्ड ये मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में अगर हम नॉन फेरस मिनरल के कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर की कुछ खास फीचर्स जैसे कि मेरेबल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये मिनरल काफी इंपॉर्टेंट है इन इलेक्ट्रिकल केबल इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्री में और इसके इंपॉर्टेंट माइन है बालाघाट माइन इन मध्य प्रदेश खेतरी माइन राजस्थान एंड सिंहभूम इन झारखंड वहीं अगर हम वक्साइट के बारे में बात करें ये यूजुअली फॉर्म होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक दैट इज़ रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम ओप्टीन होता है इसी ओर से एल्युमिनियम एक गुड कंडक्टर एंड गुड मेलेबल भी होता है और अगर वक्साइट के प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपॉजिट में अमरकंठक प्लेट्यू बिलासपुर कटनी का एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है अब बात करते हैं सेकेंड डिवीजन ऑफ द मिनरल दैट इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मिका इसके कुछ खास अमेजिंग क्वालिटी के कारण जैसे कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लो पावर लॉस फैक्टर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड रजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज के कारण ये मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल में माना गया है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में और इसके डिपॉजिट के बारे में बात की जाए तो छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है अब मूव ऑन करते हैं रोक मिनरल पे इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लाइम स्टोन विच इज़ फाउंड इन द रॉक दैट इज कम्पोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट और ये बहुत ही रॉ मटीरियल में आता है इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन ओर्स लेट्स मूव टू द अदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज एनर्जी रिसोर्सेज को डिवाइड किया जा सकता है इन टू कैटेगरीज कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हम कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब है दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल इसकी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी वहीं अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्स का मतलब होता है दैट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सोलर विंड जियोथर्मल थर्मल बायोगैस एटोमिक एनर्जी सबसे ही पहले बात करते हैं कोल के बारे में जो कि कन्वेंशन सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है कोल का यूज बेसिकली पावर जनरेशन में होता है कोल को डिवाइड किया जा सकता है इन लिग्नेटाइट विटामिनस एंड एंथ्रेसाइड में लिग्नेटाइड लो ग्रेड कोल है विच इज सॉफ्ट और इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट है अगर हम विटामिनस के बारे में बात की जाए तो ये मीडियम ग्रेड कोल है में आता है जो कि डीप ब्रेड होते हैं एट लास्ट एंथ्रसाइड जो कि हाइस्ट क्वालिटी क्वालिटी ऑफ़ द कोल में आते हैं अगर कोल फील्ड की बात की जाए तो जरिया रानीगंज बुखारों इंपॉर्टेंट कोल फील्ड में आते हैं वहीं अगर पेट्रोलियम की बात की जाए तो पेट्रोलियम प्रोवाइड करता है फूल फॉर हीट एंड लाइटिंग लुब्रिकेंट टू मसीनरीज एंड रॉ मटेरियल फॉर द नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज मुंबई हाई गुजरात एंड आसाम जो कि एक मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया में आते हैं अब मूव ऑन करते हैं नेचुरल गैस की तरफ इट इज़ अ वन ऑफ द इम्पॉटेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज और उसको कंसिडर किया जाता है एज अ इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होती है अगर हम नेचुरल गैस के रिजर्व के बारे में बात करें तो कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन इसके इंपॉर्टेंट रिजर्व हैं अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली जनरेट होती है बाई द टू वेज बाई बर्निंग द अदर फ्यूल सच इज कोल्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड अदर मेथड इज़ बाई रनिंग वाटर एंड टर्बाइन का यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इंडिया के पास ऑलरेडी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जैसे कि भाका नागर डैम द मोदर वैली जो कि काफी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करते हैं टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आई होप यू लर्न अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी नाउ जर्न टू द नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी विंड एंड एनर्जी फॉर द वेस्ट मटीरियल लेट डिस्कस ऑफ चौदह पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी ओप्टेन होती है फ्रॉम द एल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि यूरेनियम, एंथोरियम यूज होते हैं टू जनरेट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर एंड वहीं सोलर एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं बाय सनलाइट इसमें एक्चुअली फोटोवर्टिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है इंटू इलेक्ट्रिसिटी दूसरी तरफ विंड एनर्जी का यूज भी बहुत होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विंटरबाइन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम बात करें द लार्जेस्ट विंड फार्म का क्लस्टर जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है फ्रॉम नगरकोयल टू मदुरई इन के अलावा टाइडल एनर्जी इसमें टाइड की एनर्जी का यानी हाइड्रो पावर को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द गल्फ ऑफ कम्बाद द गल्फ ऑफ कच इन गुजरात एक आइडियल कंडीशन बनाती है टू यूटिलाइज टाइडल एनर्जी वहीं जियो थर्मल एनर्जी जो कि इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें इंटीरियर द अर्थ की हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में पार्वती वैली नियर हिमाचल प्रदेश एंड पुग्का वैली इन लद्दाख बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है फॉर द जियो थर्मल एनर्जी ना मोर टू अदर सेक्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स आज हमने एनर्जी रिसोर्स के बारे में जाना कि वो क्या होते हैं और उनकी कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन एवरीडे लाइफ सो इट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू कंजर्व दैम इस बुक में कुछ तरीके दिए हैं जिससे हम एक मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना स्विच ऑफ करना इलेक्ट्रिसिटी वैन इट्स नॉट इन यूज पावर सेविंग डिवाइस का यूज़ करना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ करना टू नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी थैंक यू